तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बिग बैश T20 लीग का अगला मैच खेला जाएगा, जो कि कल मॉर्निंग में 8:40 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। तो भाई इस मैच की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई आपको बता दूं, जो इस मैच की फाइनल टीम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके भाई सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो अब एक बार चैनल पर आपको लेके चलता हूं। यहां पर भाई आपको कुछ थोड़ा सा शो करना है, जो अभी हमारे कबड्डी के मैच रहे थे उसमें भाई हमारी जो मैंने जीएल की टीम दी थी वो भाई हमारी रैंक एक पर आई। यहां पर भाई काफी ज्यादा अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा दोनों ही मैच में। इस टीम में आप देख सकते हो सोल कुमार हमारे कैप्टन थे, यहां पर आप देख सकते हो इजिली भाई बिल्कुल इजिली हमने ग्रैंड लीग क्रैक किया। यहां पर मतलब रैंक एक अगर आपकी नहीं भी आई होगी, तो अगर ये मान लो रैंक एक अगर आपकी नहीं भी आई होगी तो इजिली आपकी रैंक टॉप 10 में रही होगी, इस चीज की गारंटी है। तो अब चलिए इससे पहले वाले मैच की बात करें तो भाई ये भी हमारे लिए बिल्कुल जैकपॉट रहा था। ऊपर थोड़ा सा चल के देखते हैं भाई, यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हो भाई पहले मैच के रिजल्ट मैंने कहां पे शेयर किए भाई, यहाँ पे भाई आप देख सकते हो बिल्कुल अल्ट्रा क्लीनशिप हमारे लिए मैच रहा था, बिल्कुल अल्ट्रा क्लीनशिप। और इसीलिए बोल रहा हूँ भाई आपको बार बार टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल क्लियरली आप इजीली विनिंग यहाँ से कर जाओगे। बट भाई अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करते हो तो भाई आपको खुद से टीम बनानी पड़ेगी, और भाई वो टीम आपको बनानी पड़ेगी अपने दम पर। अब भाई मैं आपको एक बार दोनों टीम्स के जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ी दिखा देता हूँ। आज का हमारा बिग बैश का मैच भी भाई काफ़ी ज़्यादा जैकपॉट रहा था, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बिग बैश हमारे लिए लगातार अच्छा जा रहा है। अब कंटिन्यू भाई 9 मैच हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको बिल्कुल क्लीन स्वीप दिए हैं, लगातार 9 मैच। उससे पहले 2 मैच हमारे खराब गए थे। यहां पर अगर बात करें तो भाई ये रिशेड्यूल्ड हुआ है मैच जो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ था। तो अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार दोनों टीम्स की स्क्वाड की, उसके बाद भाई बात करेंगे दोनों टीम्स में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और कौन सी क्या प्लेइंग 11 रहेगी, उसके बाद भाई मैं आपको टीम बना के देने वाला हूं। लेकिन भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सच में यार मतलब मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं जब आप लोगों का प्यार नहीं मिलता इतने अच्छे रिजल्ट के बाद। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करने के साथ साथ भाई वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारा प्यार ऐसे ही बने रहे एक दूसरे के साथ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स की टीम। अब यहां पर दोनों टीम की स्क्वाड हमारे सामने, अब यहां पर स्क्वाड को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहां पर 80% आप चांस मान सकते हो कि इजिली यहां पर पर्थ स्कॉचर्स की टीम जीत जाएगी। हालांकि पर्थ के भी कुछ प्लेयर यहां पर मतलब कोविड की वजह से बाहर है, लेकिन भाई फिर भी यहां पर इजिली मेलबर्न स्टार्स को टीम हरा सकती है। अब यहां से बात करें तो देखो जो प्लेयर स्क्वाड में, हम सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो स्क्वाड में नहीं है, वो भाई कल के मैच में नहीं खेलेंगे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात यहाँ से है नहीं। यहाँ से देखो कर्टिस पैटरसन आपके लिए एक बेहतरीन पिक रहेंगे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट आप डिफरेंशियल पिक के तौर पर लेके जा सकते हो। मेरे विकेट कीपिंग सेक्शन में कोई दूसरा मतलब बल्लेबाज रहेगा उसकी बात अभी हम अभी आगे करेंगे, लेकिन भाई कैमरन बैनक्रॉफ्ट ओपनिंग में आएंगे प्लस भाई कीपिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिक आपके लिए हो सकते हैं। कीपिंग से भाई 15-20 पॉइंट दे देंगे, और अगर 15-20 रन बना दिए तो 40-50 पॉइंट दे जाएंगे, काफ़ी एवरेज यहाँ पर मतलब एक एवरेज परफॉर्मर आपके लिए रह सकते हैं। और थोड़ा सा ट्रंप कार्ड प्लेयर हो जाएंगे, अगर ये 40-50 मार देते हैं तो भाई आपके लिए बिल्कुल इजीली ट्रंप कार्ड हो जाएंगे, ओपनिंग में आएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है रन बनाने के। लूरी इवांस की बात करें तो भाई बेहतरीन से भी ऊपर की पिक आपके लिए इस मैच में होने वाला है, वन डाउन खेलेगा, अदरवाइज भाई काफी नीचे खेल रहा था, अब भाई यहां पर वन डाउन खेलेगा तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हो जाएगा। एस्टन टर्नर भाई, एस्टन टर्नर के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ये इस मैच में आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो एक तो भाई सामने वाली टीम वीक है तो ये विकेट निकाल के देगा, साथ ही भाई अब इसकी बैटिंग थोड़ी सी ऊपर आपको आती दिख सकती है, साथ ही सॉरी भाई मैं एस्टन एगर को समझ बैठा नंबर 4 पर, एस्टन टर्नर है ठीक है। एस्टन टर्नर भाई आपको लास्ट मैच में भी 69 रन बना के दिए और काफी अच्छी पिक है, मैंने लास्ट मैच में भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं। और यहां से भाई एस्टन एगर इस मैच में आपके लिए सीवीसी का दावेदार रहेगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं। इसके अलावा यहां पर क्रिस सबबर्ग शायद ना खेलता नजर, एरोन हार्डी शायद ना खेलता नजर आए। इसके अलावा एंड्रे टाई की बात करें तो भाई बेहतरीन प्लेयर है, 11 मैच में 18 विकेट निकाल चुका है अभी तक टूर्नामेंट में, और भाई अगर बात करें हेड टू हेड की तो 11 मैच में 23 विकेट इस टीम के अगेंस्ट में निकाल चुका है, जो काफी ज्यादा अच्छा। और भाई मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है एंड उठाएगी तो भाई आप इसे इजीली सीवीसी दे सकते हो, हालांकि अगर दिन खराब हुआ तो भाई ये नहीं चलेगा, जैसा कि लास्ट मैच में मैंने इसे वीसी दिया था और भाई इसने एक भी विकेट नहीं लिया, बट फिर भी हमने इजिली काफी अच्छी क्लीनशिप की थी, क्योंकि काफी लोगों का कैप्टन भी था और काफी लोगों का वॉइस कैप्टन भी था एंड उठाए, तो इसीलिए इजिली क्लीनशिप हो गई थी। और भाई मैं अगर इस मैच में बैटिंग आती है पहले सॉरी बॉलिंग आती है पहले पर्थ स्कॉचर्स की तो मेरा कैप्टन एंड्रयू टाई ही रहने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज है। अगर दिन खराब हुआ तो भाई कोई बात नहीं, एक दिन लॉस झेल लेंगे, बट मैं इसे कैप्टन जरूर लेके जाऊंगा। मैथ्यू कैली की बात करें तो एक मस्ट इंपॉर्टेंट पिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एंड्रयू टाई के साथ, भाई डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होने वाला है। भाई अगर बात करें
पीटर हेडजोगोलू की, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो अगर सेकंड इनिंग में यहाँ पर बॉलिंग आती है पर्थ स्कोचर्स की, क्योंकि अगर भाई इन्होंने अच्छा खासा रन बना दिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते टाइम तो भाई ये दबाव में विकेट निकाल के दे देंगे, अदरवाइज भाई इतनी अच्छी पिक आपके लिए नहीं रहने वाले। जैसल बैरेंडो भाई अब टीम के साथ जुड़ चुके, लास्ट मैच में कोविड की वजह से मतलब बाहर थे, इन्हें कोविड नहीं हुआ था बट भाई इनकी मतलब कोविड के संपर्क में आए थे तो भाई इसीलिए इन्हें बाहर रखा गया था। और इसके अलावा भाई यहाँ पर डेविड मूडी और निक ऑम्सन ये शायद आपको ना खेलते नजर आए। अब यहाँ से बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की टीम की, तो यहाँ पर आप देखोगे जो क्लार्क आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक रहेगा, लास्ट चार मैच में 450 लगा के आ रहा है, लास्ट मैच में शायद 83 या 89 ऐसा कुछ स्कोर किया, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, जो अभी आज ही खेला गया था, आज खेला गया था या कब, हाँ भाई आज ही खेला गया था जो क्लार्क का मैच। भाई अगर बात करें क्लिंट हिंचक्लिफे की, तो भाई ये इस मैच में ओपनिंग आया था लेकिन भाई मेरे हिसाब से अगले मैच में नंबर 7 या 8 पर आपको खेलता दिखेगा, साथ ही स्पिन गेंदबाज में 2-3 ओवर कर देगा तो बेहतरीन से भी ऊपर की पिक हो सकता है, और अगर भाई ओपनिंग करेगा तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, अदरवाइज आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हो। निक लार्किन को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग में अगर आप चाहो तो भाई जैसे कैमरन बैनक्रॉफ्ट यहाँ से ट्रंप कार्ड है, यहाँ से भाई निक लार्किन आपके लिए ट्रंप कार्ड हो सकता है, तो आप ऐसे निक लार्किन के साथ जा सकते हो। जो बंस भाई शायद आपको ना खेलते नजर आए, क्योंकि अगर इंचक्लिफे खेलेगा तो भाई शायद जो बर्न यहाँ पर ना खेलते नजर आए, क्योंकि अगर ये खेलेगा ना तो ओपनिंग यही करेगा, फिर इंचक्लिफे को आप बाहर रख सकते हो अपनी टीम से भी और शायद भाई मेलबर्न वाले भी अपनी टीम से बाहर निकाल दे। वहीं अगर बात करें हिल्टन कार्टराइट की, तो भाई बेहतरीन से भी ऊपर का बल्लेबाज है, अगर आप चाहो मतलब सेफ जाने तो भाई इजिली आपकी टीम में होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, बट मैं इसकी जगह पर कुछ डिफरेंस मतलब डिफरेंट प्लेयर ट्राई करने की सोच रहा हूँ, वो अभी आपको आगे पता लगेगा जब मैं आपको टीम बना के दूंगा। वहीं अगर बात करें व्यू वेबस्टर की, तो भाई शायद नहीं खेलेगा, और अगर खेले भी गा तो भाई काफी नीचे बैटिंग करता है, इजीली आप ड्रॉप कर सकते हो। सीवीसी अगर आपको करना है, अगर टीम में भी लेना है तो सीवीसी तो छोड़ो, टीम में भी लेना है तो भाई सिर्फ जीएल में ट्राई करना। इसके अलावा जेवियर क्रोन भाई लास्ट मैच में काफी बुरी पिटाई हुई है, अगर इस मैच में खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर नहीं खेलता तो भाई देखते हैं। कायस अहमद को भाई आप ट्राई कर लेना, दोनों इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर इनके बॉलर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आए तो भाई आप यहाँ से कायस अहमद के साथ जा सकते हो। किसके जगह पर जाओगे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ से कायस अहमद के साथ जा सकते हो, मतलब मैं अभी आपको टीम बनाऊंगा तब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एडम जंपा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, इस मैच में आप जरूर ट्राई कर लेना, विकेट टेकिंग गेंदबाज है लेकिन भाई यहाँ से टीम स्ट्रांग है तो हो सकता है कि विकेट ना भी मिले, बट भाई मेरे लिए हमेशा ट्रंप पिक रहेगा और विकेट टेकिंग गेंदबाज है। हारिस रोफ और ब्रोडी कोच दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों को आपको अपनी टीम में रखना है अगर भाई मेलबर्न स्टार्स की पहले बॉलिंग आ जाती है, क्योंकि दोनों भाई डेथ ओवर में सिर्फ यही दो ऑप्शन और भाई ये दोनों आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे, तो अगर भाई यहाँ से ब्रोडी कोच और यहाँ से हारिस रोफ की पहले बॉलिंग आती है तो भाई आप जरूर ट्राई करना, अगर भाई सेकंड बॉलिंग आती है तो हारिस रोफ को ट्राई कर लेना, ब्रोडी कोच को आप ड्रॉप कर देना। वही अगर बात करें ट्रेविस डीन की, तो अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें ऐसे मार्कस टोनिस की, तो बैक इंजरी के कारण भाई आपको नहीं खेलता दिखेगा, साथ ही ग्लेन मैक्सवेल भी बाहर है, कोलिन मुनरो भी बाहर है, दोनों कोविड की वजह से बाहर चल रहे। पैट्रिक ग्रोवे शायद ना खेलते नजर आए, टोमो कोनल शायद ना खेले। इसके अलावा सैमुअल एलियट, सैम रैनबर्ड को मतलब टीम में लिया जा सकता है इन प्लेस ऑफ हिंचक्लिफे। अब चलिए बात करते भाई यहाँ पर दोनों टीम्स के लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो ऊपर अगर हम चलेंगे तो मेलबर्न स्टार्स की टीम यहाँ पर लास्ट मैच अपना विन करके आ रही है काफ़ी इजीली तरीके से, यहाँ पर भाई 83 रन बनाए, मैंने बोला ना 83 या 89 मेरे कन्फ्यूजन था। हिंचक्लिफे भाई यहाँ पर ओपनिंग में आए थे बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे और भाई जल्दी विकेट फेंक के चले गए थे। निक लार्किन भाई यहाँ पर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए लेकिन भाई वन डाउन बैटिंग कर रहा है, इससे पहले नीचे खेल रहा जब 240 प्लस के स्कोर बना चुका है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काफ़ी बड़ा ट्रंप प्लेयर ये हो सकता है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें ऐसे जो बर्न्स की, तो आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो बट मेरे हिसाब से ये आपके लिए ठीक ठाक प्लेयर नहीं रहेगा। कार्टराइट की बात करें तो बैटिंग थोड़ी नीचे है बट बैटिंग इसकी आ सकती है क्योंकि जो इनके मतलब ऊपर के बैट्समैन है वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है अगर जो क्लार्क को छोड़ दे तो। इसके अलावा यहाँ पर सारे मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। वेबस्टर की बात जैसे मैंने आपको बताया था काफी नीचे बैटिंग करेगा तो आप ड्रॉप कर सकते हो। कायस अहमद भाई आपको थोड़ा सा बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता नजर आ जाएगा तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। वही अगर बात करें अगर इनकी बॉलिंग की, तो यहाँ से आप देख सकते हो ब्रोडी कोच ने भाई हारिस रोफ ने 2 विकेट निकाले, हमारे वॉइस कैप्टन थे कायस अहमद ने भाई यहाँ पर 4 ओवर में 2 विकेट निकाले। इसके अलावा ब्रोडी कोच ने 3 ओवर में 1 विकेट निकाला, एडन जंपा ने 2 विकेट निकाले, हिंचक्लिफे ने भाई 1 विकेट निकाला। अब यहाँ से भाई बात कर लेते हैं दूसरी टीम कौन सी है भाई यहाँ पर, एक मिनट भाई, दूसरी टीम भाई है पर्थ स्कोचर्स। तो पर्थ स्कोचर्स की बात कर लेते हैं जो अपना लास्ट मैच विन करके आ रहे हैं, सिर्फ भाई इनके मतलब
कुछ ही मैच इन्होंने आ रहे, बाकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी लगाई लगातार रहे। कर्टिस पैटरसन भाई अभी मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ट्राई कर सकते हो। बैनक्रॉफ्ट आपके लिए एक ट्रंप प्लेयर रह सकता है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लूरी इवांस को आप ट्राई कर लेना जीएल, मिनी जीएल में ट्राई कर लेना, या स्मॉलिंग में अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो आप बैनक्रॉफ्ट की जगह पर लूरी इवांस के साथ जा सकते हो। वहीं अगर बात करें आप टर्नर की, तो टर्नर को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। मैं भाई अपनी टीम में जरूर रखूंगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों आपको ऑप्शन प्रोवाइड करवाएगा। लास्ट मैच में भी दो ओवर की, इस मैच में भाई मतलब दो ओवर की बॉलिंग की है, बट देखते भाई इस मैच में बॉलिंग करेगा या नहीं जो हम अभी कवर कर रहे हैं। वही अगर बात करें ऐसे एरन हार्डी की, तो आप चाहो तो ट्राई कर लेना, मैं ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। वही अगर बात करें इनकी बॉलिंग की, तो देखो बॉलिंग में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भाई एंड्रयू टाई ने चार ओवर में भाई ऑलमोस्ट 40 रन दिए, ऑलमोस्ट 10 के एवरेज से, और भाई विकेटलेस गया। थोड़ा सा मतलब इसका ऑफ डे था, बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, मैं जरूर ट्राई करूंगा। और अगर जैसे मैंने आपको बताया पहले, अगर इनकी भाई बॉलिंग आ जाती तो मैं इसको कैप्टन लेके जाऊंगा, क्योंकि अब इसका कैप्टन, वॉइस कैप्टन का सिलेक्शन कब मिलेगा अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट मैच में विकेटलेस गया ना भाई, प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है और मैं वो काम बखूबी कर लेता हूँ। अगर आपको भी सेफ जाना है तो आप भी भाई बैक मत करना, मैं तो भाई बैक करने वाला हूँ। वहीं अगर बात करें एगर की, तो आप ट्राई कर सकते हो। पीटर हेट जो गोलू भाई, इसका नाम थोड़ा अजीब है, तो इसको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैथ्यू कैली को जरूर ट्राई कर लेना, लेंस मोरिस को आप चाहो तो ट्राई कर लेना, ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर टर्नर को आप ट्राई तो आपको करना ही है, ठीक है। एरन आर्डी को भाई मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा। अब चलिए जल्दी से मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आपको नहीं देना चाहता, तो चलिए जल्दी से भाई यहाँ पर मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ। तो बात करेंगे सबसे पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन की, यहाँ से जो क्लार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बैनक्रॉफ्ट को आप भाई ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए एक ट्रंप प्लेयर का काम कर सकता है। वही अगर बात करें ऐसे मार्कस स्टोनिस भी अवेलेबल नहीं है, मुनरो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे भाई कर्टिस पैटरसन को हम अपनी टीम में रखेंगे। इल्टनर कार्ट राइट को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी देखो आप चाहो तो टर्नर की जगह पर आप इसके साथ जा सकते हो, बट भाई टर्नर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, और ऐसे भाई एल इवांस को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। निक लार्किन को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कर लेना, बट मैं ऐसे एल इवांस के साथ जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे भाई आप इजीली कार्ट राइट के साथ जा सकते हो, बट मैं नहीं जा रहा। यहाँ से अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, तो मिशेल मार्श नहीं खेलता दिखेगा, मैक्सवेल नहीं दिखेगा, एगर को मैं अपनी टीम में 101% लूंगा। इसके अलावा मेरे को कोई ऐसी खास यहाँ पर परफॉर्मेंस दिख नहीं रही, और कोई खास प्लेयर भी नहीं है, तो मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से कोल्टर नाइल भी बाहर है, तो भाई ये भी आपको नहीं दिखेगा। एंड्रयू टाई हमारी टीम में रहेंगे, आरिश रोफ हमारी टीम में रहेंगे, एडम जंपा हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, और मैथ्यू कैली हमारी टीम में रहेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो अगर भाई पहले बॉलिंग आती है यहाँ पर स्टार्स की, तो भाई आपकी टीम में ब्रोडी कोच मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर भाई पहले इनकी बैटिंग आती है, तो भाई आप यहां से कायस अहमद के साथ जा सकते हो, क्योंकि फिर कायस अहमद की बैटिंग आने के चांसेस भी हो जाएंगे, और भाई यहां से इजीली आपको मतलब बैटिंग से पॉइंट मिल सकते हैं, और भाई बॉलिंग से भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब मैं अभी के लिए मतलब सोच रहा हूं कि स्टार्स की पहले बॉलिंग आएगी, इसीलिए भाई मैं ब्रैडी कोच को अपनी टीम में रख रहा हूं। सीवीसी की बात करें, तो भाई अगर मेरा मैं सीवीसी की बात करूं, तो कैप्टन मेरा अभी एंड्रयू टाई रहेगा, वॉइस कैप्टन यहां से भाई मतलब मैं एस्टन एगर के साथ जा रहा हूं, या फिर आप अभी रिवर्स भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ा सा अगर कुछ नया ट्राई करना, तो भाई यहाँ पर जो क्लार्क लास्ट मैच में मैंने ऑप्शन में दिया था, बट मैंने आरिश रोफ को दिया था वॉइस कैप्टन, उसने भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी, दो विकेट लिए, हमें इजीली विनिंग करवाई। बट अगर आप चाहो तो ऐसे जो क्लार्क के साथ भी जा सकते हो। इसके अलावा कर्टिस पैटरसन को जीएल मिनी जीएल में कैप्टन वॉइस कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना। बाकी भाई मैं मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर, अभी के लिए भाई आप ये टीम देख सकते हो, ये मेरी ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। बाकी मिलता हूं आपसे टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।